वो रोटी बनाने के चक्रों में गई 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 जारी फाड़ बड़ा मुश्किल दूध होता है गल करने वाली पौना 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 आज कल भी मैं किया सारी डोली थी आज मोटर कल बल्कि दो बार डोली तू आटा गूंद रही हूँ मैं आटा गूंदने के बाद जो है रोटियां बनानी है तो वह साहब जो है वो मेरे लिए कावा बना रहे है अजवाइन और सौंफ अदरक डालकर ये बनाकर देंगे ताकि जो गला है ना वो ठीक हो जाए गला बिल्कुल खराब हुआ है और उसकी वजह से मुझे बुखार भी है और जिस्म दर्द भी काफी ज्यादा है और जिसके लिए हमें आज जाना बहुत ज्यादा लेट नाश्ता बना रही है और हमें ना भूख बहुत लगी हुई है मम्मा जी आज लेट उठी है बहुत तो जी अजवाइन और सौंफ जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिया अब अदरक जो है ना वो काट के डालूंगा ये ऐसे डाल दें काट दे काट दे तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे हैं। मैं काफी दिन इस चैनल से गायब हो गया था लेकिन हमने ये देखा है कि जब से मैं गायब हुआ हूँ तो हमारे व्यूज काफी डाउन हो गए तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा फिर इस चैनल पर आ जाते हैं उधर मतलब अकेला ही आऊंगा मैं इधर मतलब इनके साथ मिलकर ही काम करते हैं तो मैं जनाब दोबारा फिर हाजिर हो गया हूँ हाजिर जनाब मैं सब इसको उतार दें बाकी चाय के लिए आप रख दें ऊपर जो भी रखना है तो जी मम्मा जी आना इतनी बीमार है उनको परेशानी की बीमारी पता ही लगा कि मैंने नमक डालना था जब गूंद लिया आटा फिर मम्मा कह रही है मैंने नमक नहीं डाला अभी फिर गूंद मजाक उड़ा रहा है मेरा बेटा मेरा सुबह सुबह ही देख ले आप मजाक क्या बता रहा वो मजाक ही उड़ा रहे हो कि इतने बीमारी में उनको होश नहीं है कि नमक नहीं डाला पापा जी या आप ना जल्द और पता करें आप केमी का अम्मी का नहीं नफरानी का नफरानी हाँ जी तुम्हें गलत ही मतलब लाया जाता है अच्छा 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 और शादी कर देता है नहीं भाई अवैध साहब ने मुझे ज्यादा दे दिए कि आप एक और शादी कर ले तो अब फिलहाल सोचते हैं एक और शादी के बारे में क्योंकि तारा से अब काम नहीं होते तो काम करने के लिए कुछ लानी पड़ेगी ना अब नुकरानी बनाकर बंदा कौन लाएगा है तो उससे बेहतर बंदा बीवी बनाकर ले आएगा बहन भाइयों को पता है वो कहेंगे अपनी शादी की फिक्र कर लो बेटा जवान है उसकी शादी कर लो नहीं अजी वो जवान नहीं होया ना जवान किस लोग मेरी गाल सुनो तो सीधे इसका अम्मी के पास लड़नी है कि अम्मी तो बेच नहीं सही रहने देते मैं उन्हें वास्ते कोई लैम नौकरानी मतलब कि शादी कर के जिसे तो सी वो लड़नी है अम्मी दी यहाँ पे अंजे ठीक होना है कि सारी लड़ाई शुरू हो जानी है वो ढाके देते हैं वो पता है ड्रामे कर दी तेरी माँ नाले अगलिया कार के देनी है ना ਸੋਕਣਾ ਵੀ ਕਦੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂ ਧੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕੀ ਆਗੇ ਜਰਾ ਕਰ ਆ ਫੜ ਕਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪਾਰ ਹੈ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ ਸੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ बुखार हुआ हुआ तो उससे काफी जो है ना जिस्म दर्द भी और बिल्कुल अजीब सा महसूस हो रहा है मैं पहले ही सोच के हंस रही थी कि मेरी बहन थी या मेरा भाई था मुझे नजर लगा दी आपने कोई नहीं अल्लाह करम करेगा भाइयों की नजर नहीं लगती बाकी लग गई तो कोई नहीं नजर उतार लेंगे हम इस जगह पर हमने मक्खी रखी हुई थी बकरी को हमने जैसे छोड़ दिए जनाब वो यहाँ पर आ जाती क्योंकि यहाँ पर कुछ मक्खी के दाने हैं जो बिखरे हुए हैं जो हमने समेटे नहीं थे तो वो बकरी सुबह का नाश्ता आप आजकल यहाँ पर कर रही है और हमारा शेरू जो है ना वो भी यहाँ पर कर रहा है और शीला किधर गई ये शीला शीला हमारी थोड़ी सी बीमार होगी मुझे लगता है फिर दोबारा से अब पता नहीं इसको हुआ क्या लेकिन खाती पीती है लेकिन सही तरह से नहीं मतलब रोटी नहीं खा रही आजकल पहले स्टार्टिंग में जिस तरह रोटी खा रही थी ना खाना वगैरह नाश्ता करना जो भी है मतलब के तो अच्छे तरीके से खा रही थी लेकिन आज दूसरा दिन है मतलब कि सही तरह से ये खाना नहीं खा रही इसलिए बड़ी वीक भी हो गई है बाकी देखते हैं एक दो दिन तक वरना वो फिर मेरे वाला शरबत जो निकले लेकर आए थे ना वो दोबारा ले आएंगे तहरा की तबीयत खराब होने की वजह से वैसा हमारी हेल्प कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं अंदर की सफाई कर लेता हूँ मैंने जनाब आग जलाई है चाय वगैरह बनाई है और अब तहरा बरकत जो है वो रोटी बनाने के चक्रों में गई 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 जारी फाड़ बड़ा मुश्किल दूध होता है
ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਣਾ 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 ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਡੋਲੀ ਤੀ ਅੱਜ ਮੋੜ ਕੱਲ ਬਲਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਡੋਲੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਪਰਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਉਹ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਦੇ ابھی یہاں پر ایک ریڑھی جو ہے نا مٹی کی اور ڈالی ہے لیکن جہاں سے ہم اٹھا رہے تھے نا جہاں پر وہ مکھی رکھی ہوئی تھی وہاں سے ہم اٹھا کر ادھر لا رہے تھے لیکن اب وہاں سے زیادہ ہم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہاں اگر زیادہ اٹھائی تو پھر وہاں پر نا تھوڑا سا وہ گڑا ہو جائے گا پھر یہاں سبزی بیجنی ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی پانی مطلب کہ ادھر زیادہ کھڑا ہو جائے گا سائڈ پر کم ہوگا تو لیول تو اس کا ہو نہیں سکتا تو اس لیے ہم نے فی الحال اسٹاپ کر دی مٹی جتنی آ گئی ہے یہ ادھر سے ہو جائے گی باقی ہم باہر سے لے کر آئیں گے لیموزینی پر آپ جھوٹا لے لیں ہم نہیں لینا چاہتے ہاں مما تیری چنگی طرح صاف کری انجنا کمنٹ کے استعمال کیتے ہیں وہیں کچرا سار کے ساتھ رکھ دیتا ہے انہیں ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا ہے تو ابھی مما کو جانا ہے ڈاکٹر کے پاس دے کر جانا ہے تو میں ان کے کپڑے پریس کر رہا ہوں ہمیں اور میں نے چلتے ہیں بس اور اس تار میں نا بہت زیادہ ہے کرنٹ ہے شیشا ویکھن والی اے او رانی سونی اے تو ساڈی تے بکری وی شیشا ویکھ دی نکرے والی بکری اے سب مارن دے بابا دے بدل ہو تاری تاری کرنٹ ہاں ٹھیک ہے سرف یس چل بات چل یہ اچھے والا ہے ہاں جی گائے تو گائے چلو جی تھوڑا برکت اور ویسے صاحب چلے گئے گاؤں کیونکہ امی جی کی طبیعت خراب ہے اس کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں ایک دو دن کے بعد ایسا نہیں کہ میں نہیں جاتا میں بھی چکر لگاتا ہوں لیکن وہ ہماری بائک جو ہے نا وہ تین بندے اٹھا نہیں سکتی ہے آج کل تو اس لیے پھر وہ چلے جاتے ہیں شام کو میں چلا جاتا ہوں اس طرح صاحب چل رہا ہے بلا فی الحال تو اس کو گیا ان کو مطلب کہ گئے ہوئے تقریباً گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو گیا ابھی آنے والے ہیں واپس تو پھر میری باری میں جاؤں گا ایک دو اور کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں ساتھ میں اماں جی کی طبیعت بھی پوچھ لیں گے تو اس ویلو کا فی الحال یہیں پر اینڈ کرنے لگے انشاءاللہ زندگی تو پھر ملیں گی ضرور اچھی سی پیاری سی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ نے کہ اپنا کیا رکھیں ہم دوستوں کیا رکھیں اور ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ